हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम युगल जोड़ी सेवा विधि पे चर्चा कर रहे हैं। इसी में आपको बाल राधा रानी की सेवा विधि भी बताऊंगी, साथ ही भक्तों के भेजे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगी। देखो, शास्त्रों में विधान है कि शिव विग्रह या बड़ी मूर्ति की पूजा घर में नहीं होती, उनकी प्रॉपर 8 याम की सेवा होती है जो मंदिर में करना ही सही है। पर जैसे आजकल भक्तों में प्रेम सेवा भावना बढ़ रही है, सब देखा देखी सेवा पूजा करना चाहते हैं, तो कैसे करें? सबसे पहले साधक को फोटो सेवा लेनी चाहिए, कभी भी सीधा शिव विग्रह सेवा ना ले। फोटो सेवा के बाद बाल रूप सेवा, फिर युगल सरकार की सेवा। युगल सरकार की सेवा सबसे मुश्किल होती है। अगर आप पहले का समय मीन्स आज से 20-25 साल पहले का समय देखोगे तो हर घर में बाल गोपाल की सेवा होती थी। प्याज लहसुन बहुत सीमित कास्ट में ही खाया जाता था, नॉन वेज का चलन तो ना के बराबर था। पहले बाल गोपाल सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती थी। अभी भी बहुत से साधक हैं जिन्हें बाल गोपाल उनकी दादी नानी से मिले हैं। पर फिर न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवारों का चलन आया, जिसमें पति पत्नी अलग रहते हैं। इससे मासिक धर्म में काम की समस्या की भी परेशानी होती है और सेवा में भी प्रॉब्लम आती है। अब इन सेवाओं में फर्क क्या है वो बताती हूँ। देखो, पहला आता है तस्वीर सेवा, मतलब अपने आराध्य या अपने इष्ट देव की फोटो लगाना ताकि आपका मन उनके चरणों में स्थिर हो सके, आप उन्हें दिल से याद कर सके, उनकी लीला का स्मरण कर सके, उनकी पूजा कर सके। तस्वीर सेवा में भोग सेवा, शयन सेवा, इत्र सेवा आदि कंपलसरी नहीं होते। साधक अपने मन से आजकल वस्त्र सेवा और भोग सेवा करने लगे हैं। सूतक या पातक में सिर्फ मंदिर को आप पर्दा कर दो। एक दिन या ज्यादा दिन के लिए कहीं जा रहे हो तो भी कुछ विशेष नहीं करना होता। अब अगली बात आती है बाल गोपाल या लड्डू गोपाल की सेवा का। ये श्री कृष्ण का सौम्य स्वरूप है, युगल जोड़ी की अपेक्षा इनकी सेवा ज्यादा सरल है। लड्डू गोपाल कान्हा जी का बाल रूप है और जैसे बच्चे हर बात हर चीज जल्दी मान लेते हैं वैसे ही ये रूप होता है। बच्चे थोड़ी सी चीज में खुश भी हो जाते हैं, नाराज हो तो जल्दी मान भी जाते हैं। आप कहीं जा रहे हो तो बाल गोपाल को साथ ले जा सकते हैं या उनकी सेवा पूजा किसी और को देकर जा सकते हैं। इसी में बाल राधा रानी की सेवा भी आती है। इसका चलन अभी 5-10 साल से ही ज्यादा हुआ है। इससे पहले किशोरी जी का युगल स्वरूप की पूजा ज्यादा की जाती थी। कई लोग जो बाल गोपाल को पुत्र रूप मानते हैं वो बाल राधा रानी की सेवा भी लेते हैं, इस भाव से कि उनकी बहू घर आई है। कई लोग उन्हें पुत्री रूप में मानते हैं। हर भाव में बाल राधा रानी की सेवा बहुत फलदायी है। राधा रानी को करुणामयी सरकार कहा जाता है, मतलब कान्हा जी की अपेक्षा राधा रानी को खुश करना, उनका कृपा पात्र बनना ज्यादा आसान है। और एक बार जिस पर भी राधा रानी की कृपा हो गई उस पर श्याम सुंदर की कृपा तो होगी ही होगी। अब बात करते हैं युगल जोड़ी सेवा की। युगल जोड़ी सेवा में पूरे नियम होते हैं, उनकी प्रॉपर सेवा होती है। अगर कहीं बाहर जाएं तो इनकी सेवा किसी को देकर जानी होती है। श्री युगल सरकार के शिव विग्रह वजनदार होते हैं, इसलिए उन्हें साथ ले जाना उचित नहीं रहता। अब प्रश्न आता है सेवा करें कैसे। युगल सरकार और बाल राधा रानी की सेवा नियम बहुत कुछ लड्डू गोपाल जैसे ही है। बस श्रृंगार नियम में राधा रानी का चाहे युगल स्वरूप हो या बाल स्वरूप हो प्रॉपर श्रृंगार करना होता है ज्वेलरी के साथ। जब राधा कृष्ण हरिदास जी महाराज के सामने प्रकट हुए और उनके पास रहने की इच्छा जताई तब हरिदास जी महाराज बोले, लाला तुझे तो मैं लंगोटी पहना के रख लूंगा पर मैं साधु अपनी राधा प्यारी का श्रृंगार गहने कहाँ से लाऊंगा, इसलिए जैसा कि तुम दोनों दो जिस्म एक जान हो उसी रूप में मेरे पास एक जिस्म एक जान होकर आ जाओ। उसी समय राधा कृष्ण एक हो गए और श्री बांके बिहारी जी के शिव विग्रह रूप में प्रकट हो गए। श्री राधा कृष्ण का जोड़ा है, इसलिए याद रखे रात को एक बार पर्दा करने के बाद किसी भी हालात में मंदिर का पर्दा ना खोला। सुबह भी सबसे पहले जोर जोर से 3 बार ताली बजाएं, फिर मंदिर के पट खोले। पहले राधा रानी को स्नान करवाया जाता है, फिर कान्हा जी को। राधा रानी के स्नान के बाद पहले उन्हें तैयार करें, फिर श्री कृष्ण को स्नान करवाकर उन्हें तैयार करें। अगर सेवा पूजा 2 लोग कर रहे हैं तो फिर एक साथ स्नान करवा सकते हैं। स्नान के बाद दूध और नाश्ते का भोग लगाएं। दूध 2 ग्लास में होंगे और नाश्ता भी उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए जितने 2 लोगों के लिए चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ 2 बिस्किट और 1 ग्लास में दूध सर्व कर दो।
जिनके पास राधा कृष्ण के साथ बाल गोपाल सेवा है वो उसी के अनुसार नाश्ता लगाएंगे। उसके बाद दोपहर का खाना सर्व करेंगे। खाना सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का कुछ भी हो सकता है, जो भी आप घर में बनाए। 12 से 4 विश्राम के लिए पर्दा करेंगे और मंदिर की लाइट बंद करेंगे। इस समय में भगवान विश्राम करते हैं। इस समय में उन्हें रात की तरह कपड़े चेंज करके या ज्वेलरी उतार कर नहीं सुलाया जाता, सिर्फ ऐसे ही प्रभु हल्का सा आराम करते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे मंदिर का पट मीन्स पर्दा खुलेगा, मंदिर की लाइट खोलेंगे। 5 बजे तक शाम का स्नैक्स शरबत या मिल्क के साथ सर्व करेंगे। शाम को 6 से 6:30 तक शाम की जोत बत्ती पूजा आरती करेंगे। 8 बजे डिनर सर्व करेंगे। 9:30 तक भगवान को सुला देंगे। सुलाने के लिए इनके हल्के रात के वस्त्र पहनाएं, उनकी ज्वेलरी श्रृंगार सब उतार दें। कई लोग सुलाने से पहले इत्र सेवा करते हैं, जो साधक के खुद की मर्जी है करे या ना करे। इत्र सेवा का मतलब होता है प्रभु के शरीर पर इत्र से मालिश करना। ये एक जनरल सेवा नियम मैंने आपको बता दिया। देखो, जो पंडित साधु संत या मंदिर है वहाँ पर 8 पहर सेवा नियम होता है, जिसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। पर जैसा कि हम गृहस्थ हैं, हमें गृहस्थी के काम, बच्चे, पढ़ाई, व्यवसाय, जॉब भी देखना होता है, इसलिए हर किसी का सेवा रूटीन अलग अलग हो सकता है, सेवा का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। अब आपको कुछ बातें बता रही हूँ जो सेवा करते हुए आपको ध्यान रखनी है। युगल सरकार के मौसम के अनुसार विशेष उत्सव त्यौहार मनाने चाहिए, जैसे नौका विहार, चंदन यात्रा, झूला उत्सव आदि। झूलन उत्सव से संबंधित एक प्रश्न आता है, सावन में लड्डू गोपाल को भी झूला झुलाया जाता है। उत्तर में मैं कहती हूँ साधक की मर्जी है, क्योंकि सावन युगल जोड़ों का समय होता है। बारिश युगल जोड़ों में प्रेम बढ़ाने का काम करती है, इसे कामदेव का मौसम भी कहा जाता है। लड्डू गोपाल को सावन में झूला झुलाएं, ये साधक की इच्छा होती है। पर मुझे लगता है कि सावन बारिश के मौसम में बच्चों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए उनका झूला ना डालें। लड्डू गोपाल को झूला जन्माष्टमी पर झुलाया जाता है। एक अन्य प्रश्न, क्या राधा रानी को सिंदूर लगाएं? जी नहीं, कभी भी किसी और को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए पति को छोड़ के। सुहाग की इस प्रथा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, मानो कभी मेरे हाथ में लग जाए और मैं खुद सिंदूर नहीं लगा सकती, तो मैं सिर्फ अपने पति से लगवाऊंगी, बाकी और किसी से नहीं। अब एक प्रश्न और आता है, क्या राधा रानी की सेवा लड़के कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात, मंदिरों में जितने पंडित गोस्वामी महाराज होते हैं वो लड़के ही हैं। दूसरी बात, स्त्रियों ने सेवा पूजा अब शुरू की है। पहले समय में उन्हें पूजा सेवा अधिकार नहीं था। अधिकार से ज्यादा ये समझो, पहले इतने बच्चे होते थे कि हर साल ही स्त्रियां गर्भवती होती थी, और एक गर्भ का मतलब है 9 महीने गर्भ के और फिर पहले 2 साल बच्चे की देखभाल के, बच्चे के साथ बिजी होना, फिर काम भी सब हाथों से होता था बिना मशीन की हेल्प के, आटा भी चक्की में खुद पीसते थे, इसलिए उन्हें समय नहीं होता था सेवा पूजा का। भागवत में स्त्री धर्म में घर का बच्चों की सेवा को प्रथम बताया गया है। शनि महाराज पर अभी भी स्त्री तेल नहीं चढ़ा सकती। स्त्रियों को भगवान के गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी अशुद्ध अवस्था उन्हें किसी भी नियमित सेवा पूजा से अलग करती है। तीसरी और अंतिम बात, मीरा जी ने कहा है, आदमी औरत का भेद कलयुग का कारक है। इस जगत में सभी नारी सिर्फ एक नर कृष्ण मुरारी। वृंदावन में सखी भाव भक्तों में आप देख सकते हो। अगर प्रेम में, पूजा में, सेवा में भी आप अपना स्त्री भाव या पुरुष भाव रखोगे, फिर वो सेवा कहाँ कलयुग का कारक होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब अगला एक हमारा क्वेश्चन आता है, युगल सरकार को क्या बिस्तर पे सुलाएं? ये साधक की अपनी इच्छा है। वैसे युगल जोड़ी को उठाकर बिस्तर पर लेटाने की जगह रात को उनका बिस्तर सेट करें और उन्हें विश्राम करने की प्रार्थना करें। युगल सरकार, युगल मींस यंग है। बच्चों को तो हमें पकड़कर बेड पर सुलाना ही पड़ता है, पर बड़े तो अपने आप ही अपनी मर्जी से सोने जाते हैं, इसलिए सिर्फ उनसे प्रार्थना करना बहुत होता है। कुछ साधक प्रेम में उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाकर सुलाते हैं, वो साधक की अपनी मर्जी है, वो भी सही है, गलत वो नहीं है। अब प्रश्न है, भोग कब कब लगाएं? देखो, पहले मैंने भोग कब कब लगाएं का आइडिया आपको बता दिया है, बाकी आपका सेवा नियम अपने हिसाब से खुद सेट करें। एक और प्रश्न आता है, क्या भोग लगाने से पहले नहाएं? ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। देखो, पहले बता चुकी हूँ, जो पंडित गोस्वामी साधु संत महात्मा होते हैं उनके लिए किसी भी सेवा से पहले नहाना जरूरी होता है। आप कभी भी गौर कीजिएगा, वो किसी को भी हाथ नहीं लगाते हैं,
क्योंकि अगर किसी भी जने से उनके हाथ छू भी जाए, आप किसी गोस्वामी जी के पैर भी छू ले, तो उनको वापस जाके नहा के आना होता है। पर जैसा कि हम गृहस्थ हैं और हमें गृहस्थी के हजारों काम करने होते हैं, तो अगर सेवा से पहले मैं नहाने जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन नहाती ही रहूंगी, घर के बच्चों के काम कब करूंगी। इसलिए गृहस्थी में हमें इतनी छूट मिलती है। बाकी स्वच्छता का, सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़े पहन रखे हैं या गंदगी फैला रखी है, ऐसा नहीं करना। अपने शरीर को, घर को स्वच्छ रखें। एक बात याद रखें, युगल जोड़ी को कभी भी बिना वस्त्र नहीं नहलाना चाहिए, चाहे आपके साथ कोई और हो या आप अकेले हो। कृष्ण को धोती और राधा रानी को साड़ी या लहंगा चुन्नी जरूर पहनाएं। नहाने के उनके वस्त्र अलग होते हैं, बिल्कुल हल्के प्योर कॉटन में। एक और बात, उनकी स्नान सेवा, श्रृंगार सेवा अकेले में करनी चाहिए। युगल जोड़ी में अष्ट सखी सेवा जरूर होती है। अष्ट सखी हमेशा राधा रानी के साथ रहती है, इसलिए आप सेवा चाहे युगल रूप में करें या बाल रूप में, अष्ट सखियों को साथ रखें। कभी भी तुलसी जी राधा रानी को अर्पित नहीं की जाती। तुलसी कृष्ण प्यारी है, इसलिए तुलसा जी को राधा रानी के हाथों में रखें, ताकि राधा रानी कान्हा जी को खुश कर सके। राधा रानी कृष्ण खुशी के लिए कुछ भी करती हैं। अगर आप युगल सरकार मतलब राधा कृष्ण का शिव विग्रह ला रहे हैं सेवा के लिए, तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। राधा रानी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। एक और चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आप युगल जोड़ी की सेवा कर रहे हैं तो एक ही युगल जोड़ी की सेवा करें। जैसे अगर आप देखोगे कि लड्डू गोपाल में हम एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, पर युगल जोड़ी एक ही होनी चाहिए। अब हमारे पास एक और प्रश्न आया था कि राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत छोटी है, उन्हें कपड़े भी नहीं पहना सकते, तो क्या बड़ी ले आए? वो 12 साल पुरानी है। उत्तर में कहूंगी नहीं लाओ, नुकसान में रहोगे। इतने सालों से वो विग्रह आपके घर में है। जैसा पहले बताया है, घर में एक ही राधा कृष्ण युगल जोड़ी होनी चाहिए। इसलिए अगर बड़ी लाना भी चाहते हो तो पहले उन छोटों की सेवा किसी और को दो। अगर कोई सेवा लेने के लिए तैयार होता है तो फिर आप बड़ी ला सकते हो, इनका विसर्जन नहीं होता। एक और बात ध्यान रखना, सेवा में आपका समर्पण भाव होना चाहिए। सखी भाव या दास भाव से सेवा करें। कई भक्त युगल कृष्ण को भाई और राधा जी को भाभी भाव में पूजते हैं। सखी भाव या दास भाव मुख्य है, बाकी प्रेम की कोई सीमा नहीं, आप कोई भी रिश्ता बना सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना, किसी भी स्थिति में सुबह बिना नहाए युगल सरकार को हाथ ना लगाएं। युगल सरकार को मंदिर के अलावा अन्य स्थान पर, टेबल पर, बेड पर, चेयर पर ना रखें। अगर घर के मंदिर में जगह नहीं है तो आप अलग से टेबल या शेल्फ या ऐसी किसी जगह पे युगल सरकार का रूम बना सकते हैं, पर ध्यान रखें वो स्थान मंदिर के समरूप ही शुद्ध हो, वो स्थान मंदिर के पास हो, मंदिर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कॉर्नर में हो, पूर्व दिशा में भगवान की पीठ होनी चाहिए। स्पेशल डेज जैसे एकादशी, पूर्णमासी आदि पर युगल सरकार को शंख में पंचामृत डालकर स्नान करवाएं। कई भक्त डेली पंचामृत से स्नान कराते हैं, ये पूरी तरह साधक के ऊपर है। अब एक प्रश्न और आया था, पूरी सेवा करती हूँ पर पीरियड्स में कोई सेवा करने वाला नहीं है, हस्बैंड जॉब पर सुबह 4 बजे चले जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, क्या करें? देखो, ऐसी स्थिति में पहले भी बताया है, एक गौ माता बछड़े के साथ और असखी स्वरूप रखो। जब सेवा खुद ना कर पाओ तब उन्हें सेवा दे दो, उनसे कहो वो ध्यान रखें। पीरियड्स में बिल्कुल सेवा नहीं करनी, भोग श्रृंगार कोई सेवा नहीं। कई साधक राधा कृष्ण शिव विग्रह को श्रृंगार करवाते हैं, श्रृंगार मतलब पेंट से उनके वस्त्र, श्रृंगार आईज आदि बनवाते हैं, पर ध्यान रखें पेंट जल्दी नहलाने में उतर जाता है और उस शिव विग्रह को हम पंचामृत स्नान बिल्कुल नहीं करवा सकते। एक और बात ध्यान रखें, राधा कृष्ण शिव विग्रह अष्ट धातु के लिए आए, फाइबर या प्लास्टिक के नहीं। कई साधक संगमरमर के शिव विग्रह लाते हैं पर घर में उनकी केयर बहुत ज्यादा होती है, वो भारी भी होते हैं, इसलिए अष्ट धातु के उत्तम रहते हैं। अब कुछ विशेष बातें, राधा रानी को हरि प्रिया कहा जाता है, इसलिए भगवान कृष्ण की कृपा राधा रानी की करुणा से जल्दी मिलती है, इसलिए भक्त राधा कृष्ण शिव विग्रह की सेवा पूजा करना चाहते हैं। आजकल चलन के साथ लोग युगल सरकार का अष्ट धातु मूर्ति तो लाते हैं पर बहुत नियम के चलते सेवा नहीं करते। जिनकी सेवा नहीं होती उन्हें मूर्ति कहा जाता है, वो घर के मंदिर में अन्य की भांति रखे जाते हैं। साधक समय अंतराल में उनके कपड़े आदि चेंज करते रहते हैं, उनकी पूजा प्रॉपर होती है पर सेवा नहीं होती। पर मैं पर्सनली कहती हूँ ये सही नहीं है,
पूरी सेवा करें वरना मूर्ति की जगह तस्वीर या चित्र लाएं। मैंने भक्तों द्वारा भेजे सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में ऐड किया है। अगर आपके पास कोई और भी प्रश्न है तो प्लीज़ हमें लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।